ये देखिए यहाँ पे, ये हमने इस साल का नया बोर्ड बनाया है। यहाँ पे हमने सारे नए पैकेजेस भी ऐड कर दिए हैं। काशी सीईओ है, हम मैनेजिंग डायरेक्टर और बद्री एग्जीक्यूटिव। हमने इसमें सारा प्लान बना लिया अंकल जी, आपको दिखाया अपना प्लान। देखिए यहाँ पे अब गंगा मैया टूर्स एंड ट्रैवल्स बनारस के साथ साथ आसपास के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में ट्रांसपोर्ट कंपनीज और होटल्स के साथ पैकेज डील करेगी। इसका मतलब है हम वन स्टॉप शॉप बन जाएंगे अंकल जी, वो भी कंपेटिटिव प्राइसेस पे। क्या कपूर शंख, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मास्टर जी। बेटा अपने सितारों को सराहो कि तुम्हें पूर्वी जैसी बिजनेस पार्टनर मिली है। अब तुम दोनों को इस एजेंसी को बनारस की सबसे बड़ी ट्रेवल एजेंसी बनाना है, समझ रहे हो? हाँ मास्टर जी, मैं एकदम सब समझ गए। खाक समझे, कुछ नहीं समझे। स्त्री स्त्री ही होती है जो पुरुष को वो हिम्मत और वो दृष्टि देती है जिसके सहारे वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। तो चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या दोस्त हो। हमने तो जिंदगी भर कुसुम को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा उसे नजरअंदाज करते रहे। बस आज इस उम्र में समझ में आया है कि कुसुम हमारे लिए क्या है। हमारे मोक्ष का द्वार है वो। काशी, हमें तो जब भी थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन होता है ना, हम तुम्हारी अम्मा का चेहरा देखते हैं। हम जानते थे मास्टर जी, हम शुरू से जानते थे, जो करती है ना बस हमारी अम्मा ही करती हैं। आप तो बस मुफ्त में तारीफें बटोर के ले जाते हैं। देख रही हो, अम्मा का भगत चमचा। वो तो है, अम्मा का, हमारी अम्मा है। पूर्वी। हाँ जी अंकल। बेटा वो बद्री हमारे लिए चाय बना रहा है, पता नहीं कैसे बनाएगा। तुम एक काम करो ना, हमारे वाली एक बढ़िया सी चाय तुम बना दो। ठीक है, ढेर सारा दूध और जरा सी चाय पत्ती। हम जानते हैं, हम अभी लाते हैं। तुम भी पियोगे काशी? हाँ। काशी जी, तुम जरा हमारे साथ आओ। काशी, पहले तो हमें भी लगता था कि शायद एबॉर्शन ही सही रास्ता है। फिर हमने देखा कि पूर्वी बहुत परेशान रहती है, उसका मन नहीं मान रहा है। तो फिर हमें लगा दरअसल ये मामला उसकी अपनी पूरी जिंदगी का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है, तो इसका निर्णय उसी को लेना चाहिए। और बेटा जब उसने ये निर्णय ले लिया है तो बेटा हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसमें उसका साथ दें। जी मास्टर जी। बेटा तुम उसके दोस्त हो, उसके हम उम्र भी हो, इस बात का ध्यान रखना कि वो हमेशा खुश रहे। बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है वो, हम सबके साथ की जरूरत है उसे। आपने कह दिया ना मास्टर जी, समझ लीजिए बस हो गया। हम पूर्वी के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देंगे। वैसे तुम जानते हैं पूर्वी खुद बहुत बहुत हिम्मती लड़की है, लेकिन उस त्रिपाठी का बहुत डर है हमें। अब कहीं आदमी हो, और अब उसे इस बात का भी डर हो गया है कि इस सारे मामले से उसका बेदाग निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे मालूम है कि अगर जनता को जरा भी इस मामले की भनक पड़ गई तो समझो उसका पॉलिटिकल कैरियर तो हमेशा के लिए खत्म है। इसलिए
बहुत संभल के रहने की जरूरत है बेटा। उर्मी को कभी अकेला मत छोड़ना। यहाँ आने जाने में कभी देर सबेर हो जाए, रात भी रात हो जाए, तो उसे अकेले मत आने देना बेटा। हमेशा उसके साथ रहना। जी मास्टर जी। बस भाई बस यही रोक लो। ये लो भाई आपके छुट्टे पैसे। ये लो ईशा, ये टैक्सी क्यों खड़ी है? कौन आया? इट्स अ सरप्राइज अनु। आप अंदर जाकर देखिए ना, मैं सामान लेकर आती हूँ। चाहिए नानू? कुसुम, अरे कुसुम, अरे कौन आया भाई? पापा। बहू। जीतलो जीतलो। तुम कब आई? बस अभी अभी आए, अभी तो अम्मा जी से भी नहीं मिले। अरे तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ कुसुम। अरे देखो आलोक की बहू आई है। क्या हुआ? ओ राम, हाँ ये क्या हम देख रहे हैं? हाँ प्रणाम भाई। खुश रहो खुश रहो। भाभी ये तो कैसी हो गया? हमें तो पता ही नहीं था आप आने वाली हो। कैसी हो? अच्छी हूँ। हाँ बताओ दीपा, ना फोन ना खबर, मैसेज चली आई है अमेरिका से। अरे हमें अगर पता होता तो कम से कम आलोक और काशी को तो भेजते ना हवाई अड्डा लाने। बताए नहीं। बता देते तो फिर सरप्राइज कैसे देते? करेक्ट। आपका ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है क्या? बताइए, घर की बहू आई है और कोई लिभाने भी ना जाए। टैक्सी से अकेली आई, कोई कुछ कह देता तो। कुसुम किस दुनिया में रहती हो तुम? सारी दुनिया में लड़कियां अकेले घूमती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अब तुम्हारी बहू ये तो अमेरिका में रहती है और पता नहीं कितने मील दूर गाड़ी चला के जाती है, नौकरी करती है, कितना कुछ अकेले मैनेज करती है। तुम्हारी जैसे छुई मुई नहीं है जो एयरपोर्ट से अकेले घर नहीं आ सकती। हम छुई मुई हैं, तभी तो पहाड़ जैसी गृहस्थी अकेले ढो रहे हैं हम सालों साल। और नहीं तो क्या? ये गलत बात है पापा, आपने अम्मा को छुई मुई कैसे कह दिया? देखिए कितनी स्मार्ट है, और आपका चेहरा क्यों उतर गया? जानते ना पापा कैसे है, छोरी है। सब लोग मिलके हमें विलेन बना दो, जो कुछ भी गलत करते हैं घर में हम ही करते हैं। आप दोनों ना बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। सच कहें, यहाँ पर आकर ना पुरानी यादें ताजा हो गई। ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में लौट आए हैं। वही हमारे अम्मा पापा, वही उनकी नोकझोंक। वही हमारा अपना बनारस। हमारा अपना बनारस? बहू तुम तो इलाहाबाद की हो। नानी प्रयागराज, उसका नाम बदल गया है। हाँ हाँ वही, लेकिन तुम्हारी मामी का मायका तो इलाहाबाद है भाई। ये अच्छा है, जब मर्जी कह दो कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और जब चाहे ये कह दो कि नहीं नहीं मायका होता है, अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे बात को घुमा दो। क्यों छेड़ रहे हैं अम्मा जी को? हमारी अम्मा जी जहाँ की है ना, हम भी वही के हैं, है ना अम्मा जी? आप लोग यार ये सब छोड़िए। मामी आप मुझे ये बताइए, आप मेरे लिए यूएस से क्या लेकर आई है? ईशा ईशा बस। अरे अभी अभी आई है मामी, उन्हें आराम करने दो। तुम ना सारा दिन इधर से उधर मटकती रहती हो, आ जाओ चौकी में हमारी मदद करो, बहुत काम है, जल्दी आ जाओ। देखा
देखा आपने ऐसे टॉर्चर करनी है मम्मा मुझे? देखा, सब देखा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, सबको ठीक कर देंगे, तुम्हारी मम्मा को भी। देखिए ना, अभी तो चौकी में जा, ना डांट पड़ेगी। जा रही हूँ। अरे सुनो बेटा, ये सब्जी का थैला भी ले जा। कुसुम, बाबू से कहो ये भी आलोक के कमरे में जाकर स्नान करे और फिर थोड़ा आराम कर ले। जी पापा। ए बहू, ये बिछिया पायल पहन लेना। हाँ, बनारस आइयो तो ध्यान रखना। जी। उफ़ो। थक गए ना पंडित जी, आप ही जाके थोड़ा आराम करिए। वाकई थक तो गए हैं। पूर्वी को काशी के ऑफिस में छोड़ने गए थे, तब जाके समझ में आया आसान नहीं है सर उठा के चलना, जबकि जमाने की निगाहें आपके चरित्र पर सवाल उठा रही हूं। सही है, जाने कैसी झेल रही होगी ना पूर्वी, जरा सी बच्ची तो है बेचारी। इस वक्त उसे हमारी बहुत जरूरत है। में मम्मा, जीरा या हींग? चुटकी भर हींग और जरा सा जीरा वहीं पे रखा है, दोनों डालो। क्या यार मम्मा, ये मम्मा कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, आपको पता है ना। पूर्वी आराम से वहां ऐश कर रही होगी काशी के साथ। पूर्वी कोई ऐश नहीं कर रही है, काम कर रही है। अब तुम जरा सा काम बता दिया तो आफत आ गई। ओ, ठसका लग गया। हमारी प्यारी गुड़िया से उसकी मम्मा काम करवा रही है। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। गॉड, हम करे देते ला। नहीं नहीं अम्मा, रहने दो, करने दो उसे, जरा सीख जाएगी तो अच्छा है, वरना हॉस्टल में जाके कैसे मैनेज करेगी। और ईशा, नानी ये सब करेगी तो अच्छा लगेगा। पता है ना बेबी नहीं आ रही है, तो जब तक कोई और मेहरी नहीं मिल जाती तब तक हम तीनों को ही मैनेज करना है, समझी? कर रही हूँ। तीन नहीं, चार। अब हम आ गए हैं ना दीपा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। ईशा, तुम्हें कहीं जाना था ना, जाओ। सच में? God, I love you so much. I love you too. I just love you. I love you too. एक काम करो ना, please मुझे adopt कर लो। मम्मा से तो तंग आ गई हूँ मैं। बदमाश, देखा अम्मा क्या कह के गई? बुरा मत मानो दीपा, इस उम्र के बच्चों की ना ये कॉमन प्रॉब्लम है। अरे अमेरिका में तो इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। जब वरुण बड़ा हो रहा था तब मैंने किताब पढ़ी भी थी। लो, आजकल की माओ को देखो, बच्चे पालने के लिए किताब की जरूरत होती है। भाई हमने तो हमारे दोनों बच्चों को बिना पढ़े बढ़िया से पाल लिया है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे अम्मा जी, आप जैसा तो कोई है ही नहीं ना। चलिए हटिए, ये प्याज हम काट लेते हैं, ज्यादा देर खड़ी रहेंगी तो घुटनों का दर्द उभर आएगा। दीपा और हमें है ना सब संभाल लेंगे। हमारे घुटनों को कुछ नहीं हुआ बहू, सब बढ़िया है। अच्छा दीपा, आज वैसे बेबी क्यों नहीं आई?
बेबी बुखार है पगली। बुखार है? हम टैक्सी में आए तब तो वो बाजार में घूम रही थी, भली चंगी लग रही थी। हमने तो उसे आवाज भी दी, उसने तो सुना अनसुना कर दिया। और वैसे ये पड़ोसियों को क्या हो गया? बीना आंटी दिखी थी रास्ते में, हमने उन्हें प्रणाम भी किया लेकिन वो तो मुंह फेर कर चली गई। राधे श्याम जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब हाथ क्या है अम्मा जी, सब ठीक है ना? टमाटर तो दे दीपा। तो ठीक है, हम ना पहले विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे, फिर वहां से चाट खाएंगे और फिर घूमेंगे। व्हाट्से पूरी आइडिया तो अच्छा है, काशी चले? नहीं 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 नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। उस गली में कितनी भीड़ रहती है शाम को। तू भी प्रेग्नेंट भी तो है। तो क्या हुआ? तो मास्टर जी ने हमसे वचन ले रखा है पूर्वी की सुरक्षा का, तो नहीं समझे? यार मैं कितनी मुश्किल से मामी से परमिशन लेकर आज आई हूँ। पता है आज भी कहीं घूमने नहीं जाएंगे ना तो आज का दिन भी ऐसे ही बेकार चला जाएगा। पर फिर मैं चली जाऊंगी यार। तुम चली जाओगी? इतनी जल्दी क्यों ईशा? मेरा बस चले ना तो मैं हमेशा के लिए बनारस में रुक जाऊं। रह लो ना प्लीज। लेकिन मम्मा नहीं मानेंगी ना यार, उनका बुटीक है दिल्ली में और वो राज अंकल भी तो है उनके स्पेशल फ्रेंड। राज अंकल कौन है ईशा? अरे यार ये सब छोड़ो, ये ना एक अलग ही रामकथा है। अभी ये डिसाइड करो कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। मेरे दिमाग में ना एक मस्त प्लान है, हम ना रिक्शे पे तफरी करते हैं आज, इधर से उधर उधर से इधर, और झटका भी नहीं लगेगा और मैं पूरा बनारस घूम लूंगी। नहीं नहीं अच्छा नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है ईशा, रिक्शे पे बनारस भ्रमण है ना काशी? हमेशा तुम डिसाइड करती हो ना, आज हम बताएंगे क्या करना है। कहाँ जाएंगे? तुमने हमारी यूनिवर्सिटी देखी ना? नहीं यार। और संकट मोचन मंदिर गई हो कभी? कहाँ गई हूँ। चलो ओके डन, आज हम वहाँ जाएंगे फिर। ओके, और उसके बाद ना समोसे कचौरी खाने चलेंगे। ओह माय गॉड, हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं ईशा। परफेक्ट, वही खाएंगे। बेटा एक काम करो, तुम लोग जाके लंच कर लो ठीक है, और वापस जल्दी दुकान आ जाना। चलो बेटा तुम भी जाओ। हाँ बोलो। त्रिपाठी जी फोटो भेज दिए हैं, देख लीजिए। हाँ सही है। देखो बेटा इस फोटो में ये जो घुंघराले बाल वाली लड़की है ना बेटा, इसी को गोली मारनी है, चूकनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? ये आप क्या करवा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी देर चुप बैठो ना, जरूरी हर बात में कचर कचर जबान चलानी। सुनो बेटा, लड़की के ऊपर गोली चलानी है लेकिन लड़की को मारना नहीं है बल्कि बुरी तरीके से डराना है,
समझ रहे हो ना? और दूसरी बात, कुछ भी हो जाए पकड़े नहीं जाना है। अगर बेटा तुम लोग पकड़े गए ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो लग जाओ काम पे। समझ गए त्रिपाठी जी, आप टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा आपका।